अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएं। वीरेंद्र सहवाग को निश्चित रूप से आज हर कोई एक विस्फोटक और धुरंधर बल्लेबाज के रूप में जानता होगा, लेकिन आपको बता दें कि वीरेंद्र सहवाग जिस तरीके से मैदान पर गेंदबाजों को पीटा करते थे तो उसके उल्टे आज एक इंसान के रूप में देवता से कम नहीं है। वीरेंद्र सहवाग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ईश्वर ने जो भी कुछ उनको दिया है वह सब इंसानों की भलाई करने के लिए दिया है, इसलिए वह सदा नेक और अच्छे काम करने की सोचते रहते हैं। ऐसी एक खबर मीडिया के द्वारा आ रही है कि केरल के पलक्कड़ में मधु नामक एक व्यक्ति को भीड़ ने मात्र इस वजह से पीट पीट कर जान से मार डाला था क्योंकि उस आदमी ने अपने परिवार के लिए कुछ 1 किलो चावल किसी दुकान से चुराए थे। निश्चित रूप से इस मधु नाम के आदमी के पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए पैसे नहीं होंगे, यही कारण था कि इस व्यक्ति ने एक दुकान से 1 किलो चावल चुरा लिए थे और इस चोरी के समय में पकड़ा गया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने मधु को पीट पीट कर जान से मार डाला था। इस खबर को पढ़कर इंडियन टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पूरी तरीके से हिल गए थे और उन्होंने लिखा था कि मधु ने केवल 1 किलो चावल ही चुराया था। इस बात पर हुसैन और अब्दुल की भीड़ ने उस गरीब को मार डाला। यह समाज के लिए बहुत बुरी खबर है। मुझे इस बात पर शर्म आती है कि ऐसा करने पर किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इस खबर के बाद वीरेंद्र सहवाग ने मधु की मां को 1.5 लाख रुपए का एक चेक केरल भिजवाया है। निश्चित रूप से यह चेक केरल के एक सामाजिक कार्यकर्ता को मिल गया है जिसने वीरेंद्र सहवाग को यह जानकारी दी है कि वह जल्दी इस चेक को मधु नामक व्यक्ति की मां को देकर खुद आएगा। वीरेंद्र सहवाग ने जिस तरीके का यह अच्छा काम किया है तो निश्चित रूप से समाज के लोगों को यह सीखने को जरूर मिलना चाहिए कि व्यक्ति के पास अगर ईश्वर को कुछ दे तो उसका सही जगह और सही लोगों में हिस्सा देना काफी जरूरी हो जाता है। वीरेंद्र सहवाग ने जिस तरीके से एक अनजान व्यक्ति की मदद के लिए यह काम किया है तो निश्चित रूप से उसके लिए पूरा भारतवर्ष वीरेंद्र सहवाग को सलाम करता है।